पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की जयंती पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मालवीय को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां स्वर्गीय राधाकिशन मालवीय की याद में आयोजित हुए कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह ने मालवीय को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखिए ये रिपोर्ट। जरूर, राधाकिशन मालवीय जी मध्य प्रदेश की राजनीति के एक स्तंभ रहे थे। उनका राजनीतिक जीवन बहुत ही ऐतिहासिक रहा था। अगर हम याद करें तो जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय राधाकृष्ण जी भी मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और विशेषकर उनका मालवा में, मध्य प्रदेश में और पूरे इस क्षेत्र के विकास पर जो उनका योगदान की भूमिका रही है वो अतुल्य है। आज हम सब उनको याद करते हैं, आज उनकी जयंती भी है। उनके सुपुत्र राजेंद्र मालवीय जी भी यहाँ उपस्थित थे, चंद्रकला मालवीय जी भी उपस्थित थी, और उनके पोते वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, विशाल मालवीय जी भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कर्म और जो विचारधारा राधाकृष्ण मालवीय जी की थी उसके आधार पर जो उनके वंशज हैं वो भी आगे काम करते रहेंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे प्रदेश के प्रभारी जी पी अग्रवाल साहब भी यहाँ मौजूद थे, वो स्वयं सांसद भी रहे थे राधाकृष्ण मालवीय जी के साथ में, और हमारे अनेक दिग्गज नेता जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, विजयश्री साधो जी, विक्रांत भूरिया जी, हमारे रामलाल मालवीय जी, हमारे विपिन वांखड़े जी और भी अन्य साथीगण जो मालवा के सभी नेता यहाँ मौजूद थे। और हमेशा हम ये संकल्प लेते हैं कि जो सोच और विचार राधाकृष्ण जी के थे उसके आधार पर आगे भी हम काम करते रहेंगे।